गाइस देखिए एक पजल का क्वेश्चन है और पजल के क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ लेंस से नहीं देखना है, पहले कंटेंट को समझ लो क्या कहता है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको आपको फॉलो करना है। क्या कहता है, एक कंपनी है, एक कंपनी ABC एक कोई कंपनी है, आपको जस्ट नाम दे रखा है, प्रिंटेड डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स इन डिफरेंट ईयर, डिफरेंट ईयर में डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स आपको प्रिंट करता है और ईयर दे रखा है 1947, 56, 87, 98 and 2002। सर द नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड आर नॉट सेम इन एनी ईयर, किसी भी ईयर में सेम नंबर ऑफ बुक्स प्रिंट नहीं होते, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो ये आप माइंड में रखोगे कि किसी ईयर में सेम नहीं होगा। आगे कहता है 66 बुक्स वेयर प्रिंटेड इन एन ऑड नंबर ऑफ ईयर विच इज़ नॉट 1947। देखिए 66 बुक प्रिंट होता है ऑड नंबर ऑफ ईयर में, लेकिन वो ईयर 1947 नहीं है, यही कह रहा है आपसे। तो 1947 अगर नहीं है तो मेरे पास दो ही तो ऑड ईयर है, वन है 1947 और दूसरा है 1987। तो अगर 47 में वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो किस में हो जाएगा, 1987 में हो जाएगा। कितने बुक प्रिंट होते हैं 1987 में, 66, ठीक है, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि 47 में नहीं कह रहा है। तो अगला कहता है क्या, द नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड इन 1947 इज 10 लेस देन दैट प्रिंटेड इन 87। जो 87 से जो 10 लेस बुक प्रिंट होता है किस ईयर में, 10 बुक कम प्रिंट करता है 1947 में, ये भी आपको दे रखा है। तो 10 बुक अगर प्रिंट करेगा कम तो कितना, ये 66 है तो 10 बुक्स कम हो गया, कौन सा 56, ठीक है, ये भी आपको दे रखा है। आगे कहता है 59 बुक्स वेयर प्रिंटेड इन ए ईयर बिफोर द ईयर इन विच 61 बुक्स आर प्रिंटेड बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर नहीं होना चाहिए, लेकिन कहता है कि जो 59 बुक्स जिस भी ईयर में प्रिंट हो रहा है वो 61 से पहले होना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ईयर ही तीन अब बचे हैं, कौन कौन सा, एक तो 56 बचा है और एक 98 बचा है और एक 2002 बचा है, यही तो आपके पास बचे हुए हैं। तो एक चीज़ देख लो आप, कहता है इमीडिएटली बिफोर नहीं होना चाहिए, तो ठीक है इमीडिएटली बिफोर नहीं है, 56 में मैं कर दिया कि 59 बुक्स प्रिंट हुए हैं और 98 में 61 प्रिंट हुए हैं, क्यों इमीडिएटली कहाँ है, इमीडिएटली नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में 47 के बाद 56 आया, 56 के बाद 87 है ना, तो 87 इसके बाद आ गया, 87 के बाद 98 है, तो ये चीज़ हो गया। अब कहता है नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड इन 2002 इज टू मोर देन प्रिंटेड इन 98, तो दो ज़्यादा है, तो 61 प्लस टू क्या हो गया 63, आपके पास सारा आ गया डाटा। अब जो क्वेश्चन कहता है उसको सोल्व कर लो, हाउ मेनी बुक्स वेर प्रिंटेड इन 1947, कितने बुक्स प्रिंटेड हैं 47 में, ये देखो 56 बुक प्रिंटेड है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, तो 56 आपका आंसर हो गया। और बाकी मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि क्वेश्चन जो पजल में होते हैं केवल एक नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास यही क्वेश्चन है तो ऐसे आपने कर लिया, बाकी सारे ईयर का भी हमने एक एक करके निकाल लिया, ठीक है, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ओके।